हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल स्टडी 5 एजुकेशन 9 पर स्वागत है। मैंने अपनी इस वीडियो और अगली कुछ वीडियोस में लिनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एज वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप इजी मेथड से सॉल्व करके दिखाया है। वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। स्टूडेंट्स, इन दिस क्वेश्चन You have to tell my present age. If my age is 4 times the difference of my age after 4 years and my age 3 years back. Students, इस question का meaning है कि मेरी जो present age, अब present age जो है, present age कैसे पता चली? यहाँ पे is दिया हुआ है, यानी कि जो मेरी प्रेजेंट एज है वो 4 टाइम्स है, यानी कि 4 गुना है द डिफरेंस ऑफ माय एज आफ्टर 4 इयर्स। जो माइनस करके आएगा मेरी एज का डिफरेंस, कौन सी एज का डिफरेंस? जो 4 साल बाद, यानी कि आज की एज से 4 साल बाद जो एज होगी, और जो माय एज 3 इयर्स बैक, और 3 साल पहले, यानी कि आज की एज से 3 साल पहले जो एज थी, इन दोनों एजेस का जो डिफरेंस है, यानी कि जो माइनस करके एज निकलेगी, वो मेरी आज की एज होगी। और हमें ये यही एज निकालनी है, यानी कि हमें प्रेजेंट एज ही निकालनी है, जबकि ना तो हमारे पास प्रेजेंट एज दिया हुआ है, ना फ्यूचर एज गिवन है, और ना ही पास्ट एज गिवन है। तो ये निकालने के लिए पहले सबसे पहले हमें x लेना होगा, और x लेने के लिए हम जो प्रेजेंट एज निकालनी है, इसलिए स्टूडेंट्स हम प्रेजेंट एज को ही x लेंगे। और इसे कैसे लिखेंगे, यानी कि जो मेरी एज है, लेट my प्रेजेंट एज बी x। देखिए मैंने प्रेजेंट एज का बॉक्स बनाया हुआ है, और ये हमें कैसे पता चल रहा है, प्रेजेंट एज इज और एम वर्ड से, यहाँ पे एम दिया है और यहाँ इज दिया है, तो हमारी मेरी प्रेजेंट एज क्या हो गई, एक्स। अब प्रेजेंट एज एक्स लेने के बाद फ्यूचर एज और पास्ट एज हमें निकालनी है। सबसे पहले फ्यूचर एज निकाल लेते हैं, माय एज आफ्टर 4 इयर्स, यानी कि 4 इयर्स के बाद मेरी एज क्या होगी। तो x में जो कि प्रेजेंट एज ली है, इसमें प्लस 4 ऐड करने पर, यानी कि x प्लस 4 करने पर फ्यूचर एज निकल आएगी। अब इसी तरह से पास्ट एज निकालनी है, माय एज 3 इयर्स बैक, यानी कि पास्ट इयर्स 3 साल पहले एज क्या थी, माय एज 3 इयर्स बिफोर, यानी कि x माइनस 3 करने पर, यानी कि x प्रेजेंट एज है, इसमें माइनस 3 करने पर पास्ट एज बन जाएगी। स्टूडेंट्स, अब प्रेजेंट एज भी है, फ्यूचर एज भी है, और पास्ट एज भी है, और इक्वेशन है कि जो प्रेजेंट एज कैसे बनेगी, निकलेगी प्रेजेंट एज में, प्रेजेंट एज बराबर है, प्रेजेंट एज क्या है, x, यानी कि x इज मींस equals to बराबर है 4 times, यानी कि 4 into the difference of my age after 4 years, यानी कि जो 4 साल बाद एज होगी, 4 साल बाद एज क्या होगी, x plus 4, इसको माइनस करना है, डिफरेंस है, इसलिए माइनस करेंगे, my age 3 years back, 3 साल पहले क्या एज थी, x minus 3, तो ये बन गई इक्वेशन। और इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर जो x की वैल्यू है, यानी कि जो प्रेजेंट एज है, वो निकल आएगी। इक्वेशन सॉल्व करेंगे, पहले अंदर x प्लस 4 और x माइनस 3 को सॉल्व करना है। x प्लस 4 तो एज इट इज आ जाएगा, x प्लस 4 माइनस है, तो x जो है वो एक पॉजिटिव नंबर है, तो x के साथ माइनस आ जाएगा। माइनस 3, माइनस और माइनस जब स्टूडेंट्स ब्रैकेट ओपन करते हैं तो माइनस और माइनस प्लस हो जाते हैं, तो यहाँ आ जाएगा प्लस 3। अब सॉल्व करेंगे, एक्स और एक एक्स है और एक माइनस एक्स है, तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव
इक्वल नंबर होते हैं, सेम नंबर होते हैं, तो वो कट हो जाते हैं, कट गए। अब 4 और 3 को प्लस करेंगे 7 आ जाएगा, इसको 4 से इंटू करेंगे तो 4 7 28, यानी कि x की वैल्यू 28 आ गई। और x की वैल्यू 28 मींस ये प्रेजेंट एज, हमारे क्वेश्चन में यही था, माई प्रेजेंट एज इज 28 ईयर्स। और लेकिन यहाँ पे अगर आप फ्यूचर एज भी निकालना चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं, जो 32 होगी, और पास की एज जो होगी वो 25 होगी, यानी कि 28 में 3 माइनस करने पर 25 आंसर आएगा। स्टूडेंट्स, यदि आपको लिनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल एज से रिलेटेड क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अपनी अगली कुछ वीडियोस में इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस लाऊंगी।